देश विदेश में चर्चित महिलाओं के संगठन गुलाबी गैंग ने बढ़ती महंगाई, बिजली बिलों की बढ़ोतरी और किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पैदल मार्च किया है, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों महिलाओं ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी नाराजगी शासन को भेजी है। सरकार के खिलाफ गुलाबी साड़ी पहन सड़क पर नारेबाजी करती ये सभी महिलाएं गुलाबी गैंग संगठन से जुड़ी हैं, जो देश में लगातार बढ़ती महंगाई, किसानों पर हुए लाठीचार्ज, पेट्रोल डीजल बिजली बिलों की बढ़ोतरी से इस कदर नाराज हैं कि सड़कों पर आकर अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही हैं। गुलाबी गैंग की बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम के नेतृत्व में तकरीबन 5 सैकड़ा महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं और इन महिलाओं ने शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए सभी चौराहों में पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया है। गुलाबी गैंग की इन महिलाओं का कहना है कि सरकार ने बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की। योजना के नाम पर हमको सिलेंडर दे दिए गए, लेकिन गैस भरवाने के लिए महिलाओं के पास पैसा नहीं है। इसी बात से गुलाबी गैंग नाराज है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार को ज्ञापन भेजा है। गुलाबी गैंग की बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम कहती है कि सरकार ने अच्छे दिनों की बात कही थी, लेकिन हमें पुराने दिनों की याद आ रही है। गुलाबी गैंग सड़कों में इसलिए उतरी कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम हर महिला के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। चलिए 15 लाख तो छोड़िए, जो महिलाओं ने अपने पतियों से जोड़ के अपने बच्चों से छुपा छुपा के पैसे रखे थे, इन्होंने एकदम रात को नोटबंदी कर दी, वो भी महिलाएं और गरीब बर्दाश्त कर गईं। इन्होंने GST लगा दी, वो भी बर्दाश्त कर गईं। अब हमारी जायदाद छीनने के, जो हमारे बाप दादों की, जो हमारी पुरखों की जायदाद है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तो जब हमको आपने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने किसानों की आय दुगनी नहीं की और किसानों के ऊपर 1-3 काले कानून आपने थोप दिए। उस काले कानून का विरोध हम करते हैं। हम ये कहते हैं, सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। भाई जब किसानों को अपना हित नहीं चाहिए और किसान लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, हमारे 300 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो गए, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस अधिकारी ने आर्डर करा कि इनके सर फोड़ दो, मैं 2 दिन से नहीं सोया, तो क्या अधिकारी अगर 2 दिन जगेंगे तो जनता का फोड़ के सर सुधोएंगे क्या? क्या ये अधिकारी को पावर है? ऐसे अधिकारी को निलंबित करना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। महंगाई को लेके तो ऐसी नाराजगी है कि घरों में जा जा के जब हम देखते हैं तो हम लोगों को रोना आ जाता है। हमारी महिलाएं तेल की जगह पानी डाल के आलू उबाल के खा रही हैं। हमारी महिलाओं को झकरे भी नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने गैस तो दे दिए, सिलेंडर पकड़ा दिए जनता के हाथ में, और हमें लग रहा है गैस हमारे मुख्यमंत्री जी खा गए। बताइए प्रधानमंत्री जी, अगर आपको गैस खाने थे तो खाली सिलेंडर क्यों पकड़ा दिए? वो सिलेंडर तो आप रखते ना, हम लोग खाना नहीं खा पा रहे। गरीबी तो आप आके देखिए ना, आप तो AC में सो रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं और कह रहे हैं हमारा भारत बहुत आराम से है, बहुत मजे से है। भारत आपका मजे से नहीं है, आप गरीब के घर में जाके देखिए। प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने महंगाई पर एक गीत गाते हुए अपने दर्द को भी बयां किया है। गीत के माध्यम से महिला ने बताया कि कैसे महंगाई उन पर हावी है। मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, गणेश खा गए, हाँ गणेश खा गए। जैसे भारत के नेता, जैसे भारत के नेता जनता को खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, गणेश खा गए, हाँ गणेश खा गए। बिजली वाले बिजली के तीनों फेस खा गए, ऐसे खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, गणेश खा गए, हाँ गणेश खा गए। जैसे
जैसे जनता किसानों को बिल्कुल खा गए, जैसे जनता किसानों को बिल्कुल खा गए, जे खाली सिलेंडर पकड़ा के सब गैस खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पुष्पा को लेकर आप लोग आई, ये गरीबन की है, दूसरे अंडा रही है, 1,000 रुपया को बिगड़ा होता, 1 महीना से गैस नहीं हमारे घर में, ना कड़िया नहीं है, जैसो हम गुजारो कर सुख, अब हम लोग सब लोग जाना गरीब आदमी कहाँ से भरवा, कहाँ से पैसा ले आए, मजबूरी है तो वो नहीं लग रही है, वो नहीं चल रही है, घर में चूल्हे में बनाते खाना, जब गैस 1,000 की है नहीं है पैसा तो कहाँ से भरवा ले, तहसीलदार ने ज्ञापन लेते हुए बताया कि महिलाओं द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया है, जो उचित माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम है, गुलाबी गैंग, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं, द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद महोबाला, महंगाई और बिजली की बढ़ोतरी के विरोध में और किसानों पर के हुए हमले के लाठीचार्ज के विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बिजली बिलों में हो रहे घोटालों का विरोध में गुलाबी गैंग प्रदेश सरकार का विरोध करती है, सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से परेशान हो चुकी हैं, इस कारण इन्होंने ये ज्ञापन दिया है। इसको हम इनकी भावनाओं को देखते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास द्वारा उचित माध्यम भेज देंगे। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B-pharma, M-pharma, BSc, B-tech, M-tech and polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. Moon City Escapes Builders प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक residential, commercial, JDA approved project Space Moon City. Gated complex, high-tech security और 100% power backup के साथ premium apartment और independent villas, shopping mall और multiplex. Space Moon City 25 एकड़ में विस्तृत है. Perfect, luxurious and beautiful life के लिए प्रस्तुत है Space Moon City.